मैच खेलते खेलते ही मैंने आपको बुला लिया। पर आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप 6 कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। दो पासेस में मेरे पास 9000 है कुछ तो वैसे, सो मैं ट्राई करूँगा कि मेरा स्कोर अच्छा बने और मुझे आपके सामने रेड बॉक्स खोलने को मिले। और मैं आपको पिछले कुछ दो रेड मतलब म्यूटू और जर्नियस के कुछ ऑसम पोकेमोन जो मिले मुझे, और एक आपके लिए सरप्राइज़ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिससे आप शॉक हो जाएंगे। तो मेरा 5380 का स्कोर बन चुका है, अच्छा है। 6000 का बने तो अच्छा होगा, पर बनने के चांसेस बहुत कम है। स्कोर बना है 5477 और अभी पावर है 8%, 4451। चलो ट्राई करते एक पास में होता है क्या नहीं, लेट्स ट्राई। हुआ नहीं तो जाने दीजिए, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा उसको ओपनिंग। पर गाइस डरना मत, मैं आपको दिखा के रहूँगी अच्छे स्टेज 6 का बॉक्स। तो मैं स्टेज 6 में सेमीरेड मिला है। सेमीरेड एक तो एक थोड़ा सील जैसा लगता है, पर ऑडिश उसका फर्स्ट इवोल्यूशन है जो मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। फिर उसका सेकंड इवोल्यूशन है डिवॉट। गाइस यहाँ पे कभी कभी ऑनेक्स निकलता है तो उसके लिए कभी कभी मुझे ये भी डाल देना पड़ता है, पर कभी कभी प्लान फेल हो जाता है, प्लान फेल हो जाता है। जाने दीजिए गाइस, हम अब गाइस ये बहुत ही बोर होता है मुझे देखने के लिए, तो क्या करें, अब देखना तो पड़ रहा है। एक एक पास बहुत इम्पोर्टेंट, और अगर आप अकेले हो रेले में तो और भी डेंजरस होता है। मैं अकेले ही मेरा अभी तक का रिकॉर्ड है तो मैं स्टेज 9 तक भी जा पाया हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा भी खेल भी नहीं सकता। अरे यार ये क्या हो गया, शिट्स, गलती से गलत लिंक पे, सॉरी गाइस, क्या करें, गलतियाँ तो होती रहती सबसे। स्कोर अच्छा बनने के लिए पावरफुल हमारे जो मैग्नेनियम है, मैं उसको रेगी जाएगा इसको डालता हूँ, नहीं तो जो भी वहाँ पे निकालता हूँ उसे इसे मैं अब यही डालूँगा बफर वैलेट। आपको पता ही होगा बफर वैलेट टीम रॉकेट के पास रहता है, उस बहुत से अटैक्स को काउंटर कर लेता है। अब मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, यहाँ पे स्टार भी निकलती तो क्या अच्छा हो जाता है। अगर सोलो रॉक डाला तो फिर उससे पानी भी मिलेगा, पर चांसेस तो अच्छे आए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सोलो रॉक बहुत पावरफुल है देखा जाए तो। मैग्नेनियम डाली मैंने, चलिए अब उसका असर देखते हैं कितना होता है। 2938 है सोलार बीम की पावर, सोलार बीम यूज़ करो मैग्नेनियम। बेली आपको पता ही होगा बेली कहती है ऐश के पास, यस। और गाइस हम बहुत लकी है कि मैंने आखिरकार स्टेज 6 कंप्लीट कर लिया है, और मैं उन्हें खोलने जाने वाला हूँ। मैं कभी कभी भी मैं बीच में से चले जाता हूँ। सी हू विच पोकेमॉन्स विल डू, वाओ अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स हैं, इतने भी नहीं पर है अच्छे, काम में बहुत आएंगे ये सारे। वेयर इज द साइथर, ये गए और वाओ। फिर अभी ये दूसरा हाई स्कोर के लिए दिए गए, यहाँ पे स्टारियस अच्छा है, अच्छा है। देखते हैं हमें यहाँ पे अल्मोड़ा मिलती है क्या, नहीं मिली। लेट्स ट्राई इन दिस बॉक्स, यहाँ पे वेलमेर मिली फिर से, पर नो यूज ऑफ दैट वेलमेर ऑल्सो, मैं इनको बेच ही देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टारियो है। तो अगर हम इसकी बात की करने जाए तो इसको अगर स्टार्टिंग में ऑर्डर गन रहेगा तो आगे जाके उसको कुछ मिल सकता है। सॉरी यहाँ पे मैं इसको इवॉल्व नहीं कर सकता, मैं अभी 800 लाऊंगा फिर बाद में बचेंगे। फिर अब मैं आपको टोगी भी दिखाता हूँ जो मुझे पिछले रेड में जर्नियस में मिली थी, पर उसको कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखे जाए तो उसको यहाँ पे मिलना चाहिए था एलियलेस, पर नहीं मिला है।
ये उसका फर्स्ट इवोल्यूशन डोगे पी, जिसे कुछ भी नहीं रहता है। बाद में चलो यहाँ पे एक्सप्लोर कर ही लेते क्या है। वाह रेगिया गैस, चलो ये क्लेम कर लेते हैं। फिर मैं आपको आगे की बोलूँ उसकी नाम बताते जाते माचो। चलिए हमें गोल्डन कार्ड ऑलरेडी से है। फिर आप मैंने आपको स्टारियो के बारे में बताया ना, ये है स्टार माइन जो मिस्टी के पास रहती है, आपको पता ही होगा, जिसे रैपिड स्पिन नहीं तो हाइड्रो पम्प रहता है, स्टार्टिंग में वाटर गन। फिर हमें जर्नी इसके रेड में साइथर भी मिला है। अगर आपको फ्री वाटर मिलता तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको आगे जाके बुलेट पंच मिले, और अगर नहीं मिला है तो 0.01% चांसेस। फिर अब हम नीचे आते हैं तो ये एक ही उनमें से क्रेडिली, जिसका फर्स्ट इवोल्यूशन रहता है लेलिप एनर्जी बॉल रहता है उसको, नहीं तो कुछ भी नहीं रहता। और अगर चांस हुए तो उसको सिंथेसिस नहीं तो एनर्जी बॉल मिल सकता है, अगर उसको कुछ भी नहीं रहता शेडिंग को। हाँ तो कई इसमें जैसे आपको क्रेडियल के बारे में बता चुका हूँ, आपको पता ही होगा टर्टू ब्लेस्टेरॉन, ये है साइथर, यहाँ पे साइथर है थोड़ी सी। फिर हम अब नीचे नीचे आएंगे तो मुझे मेलमेयर भी मिला है म्यूट के रेड में, मुझे आज सुबह भी मिला था स्टेज फाइव के। और गाइस हमारा आ गया है आपको सरप्राइज़ देने का टाइम, और ये है मेरा सरप्राइज़, मुझे म्यूटू मिल चुका है। खुशी की बात है पर पावर उसकी कम है, मुझे दो म्यूटू मिले थे, एक 902 और एक 905। 902 को मैंने बेच दिया था, और ये रहा हमारा सैमू रैट, मेरा फर्स्ट स्टार्टर पोकेमॉन। और मैं उसको ज़्यादा तो यूज़ नहीं करता आजकल, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है। मैं उसकी जगह पर एक तो मड़की का गया जिसे स्वयं मेरा बोल सकते हो। और गाइस आपने जो मेरे वीडियो कायरम की वीडियो को इतना व्यूज़ दिए हैं उसके लिए वेरी थैंक यू सो मच गाइस। पर गाइस आप प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइबर सिर्फ 5 है गाइस, प्लीज़ गाइस हमें सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और वीडियोज़ लाते रहूँगा, और मैं और ट्राई करूँगा कि मुझे लेजेंडरी पोकेमॉन मिले। तो मैं आपको मेरे अभी फिर से दिखाता हूँ लेजेंडरी पोकेमॉन जैम्पटोस, थंडरबोल्ट रहता है उसको, कायरम, ग्लेशिएट एंड ग्राउडन, माय फर्स्ट लेजेंडरी पोकेमॉन। फिर गेंगार का गोल्डन कार्ड है जिसे है, फिर माचाम्प है, मैग्नानियम है, आपने अभी दिखा होगा उसको, सोलर बीम, फ्रेजल ईयर है, फिर डेस्नोर भी मेरे पास